कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित बैठक प्रभारी उप जिलाधिकारी सदर विपिन कुमार की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में तहसीलदार डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, नायब तहसीलदार राधेश्याम गुप्ता, राजस्व निरीक्षक नगर प्रद्युमन सिंह सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के संबंध में चर्चा की गई, जिसके संबंध में प्रभारी SDM सदर ने बताया कि बैठक का मूल उद्देश्य कोविड-19 जैसे बीमारी को एक दूसरे विभागों के सहयोग से फैलने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी SDM सदर विपिन कुमार ने कहा, आज माननीय जिला अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कोविड से संबंधित सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन के लिए एक बैठक आहूत की गई है। इसमें सभी जो कंसर्निंग विभाग हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और किस तरह से एक दूसरे से सहयोग करके इस कोविड के प्रसार को रोकना है, ये बातें यहाँ पे उनको संक्षिप्त में बताया गया और जो लोगों की हमारे क्वेरी थी उसका जवाब देकर उनको संतुष्ट किया गया। इस बैठक का मूल उद्देश्य ये था कि किस प्रकार हम सभी विभाग एक दूसरे को सहयोग करते हुए महती भूमिका निभाएं, जिससे कि कोविड जैसे महामारी से हमारा गोरखपुर जनपद और ख़ास करके हमारा नगरीय इलाका सुरक्षित हो, इसी बाबत ये बैठक बुलाई गई थी।